अरे उज्ज्वल है ना हैंडसम नहीं है। मेरे गाइस बताएंगे कौन बोलेगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया ही होंगे, एकदम बढ़िया। मैं भी बढ़िया भाई साहब। सुबह सुबह आते ही मेरे जूनियरों के चेहरों पे टेंशन दिखी मेरे को, वो इस बात की क्योंकि आज उनका डीजी का पेपर है तो पैटर्न इस बार चेंज हो गया। तो सब पूछ रहे थे बॉस होम्योपैथी में से क्या आएगा, यूनानी में से क्या आएगा, आयुर्वेद में से क्या आएगा। बोले भाई मेरे को ही नहीं पता, क्योंकि इसी साल से पैटर्न चेंज हुआ है, तो कुछ बोल नहीं सकते क्वेश्चन होगा तो भाई मैं कैसे बता दूं। फिर भी आप लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आई होप आपका पेपर अच्छा जाए, पढ़े होंगे तो अच्छा ही जाएगा, नहीं पढ़े होंगे तो भाई मैं कैसे बोल दूं, ठीक है। और मैं भी आ चुका हूँ अभी कॉलेज, मेरी भी क्लास है तो भाई लेने चलते हैं। और पता है इसी साल से हमारे ये भी हुआ है, पहले हमारे कॉलेज में सिर्फ हमारे ही एग्ज़ाम लगते थे, बट इस साल से ऐसा हो गया कि दूसरे कॉलेजों के सेंटर भी हमारे कॉलेज में आते हैं, तो और कॉलेजों के बच्चे आए एग्ज़ाम देने। एक तो अरे एग्ज़ाम के टाइम क्या है, लिफ्ट बंद कर देते हैं तो 3 फ्लोर चढ़ के फिर ये मेरी क्लास में आना पड़ता है मेरे को, तो इससे क्या है सांस फूल जाती है थोड़ी, क्या पता क्यों क्यों होता है ऐसा। ताजी का फ़ोन क्या फिर से मैंने छीन लिया है ना, ये आईफोन लाया ना जब से इतना नाटक करता है, फोन हाथ में देता ही नहीं, दिखाता ही नहीं है। खुद 3-4 दिनों बाद अब आइए कॉलेज। हाँ मैं किसी काम में बिजी थी इसलिए आ जाइए। काम यार ये भी जरूरी है। वही ना भैया, अभी हुई है हमारी क्लास सारी खत्म, सारी तो नहीं मतलब सुबह की हुई है। अब है हॉस्पिटल ड्यूटी, ठीक है, मेरी तो ENT के अंदर है, इसकी ये सर्जरी के अंदर, अभी हम लोग तो वहीं जा रहे हैं। अभी के लिए तो हम अलग होंगे, पूरा गुरु के अलग हो जाता है, ठीक है। उज्ज्वल की आज एग्जाम है किसी चीज़ की, तो वो लेट आएगा थोड़ा, ठीक है। हमारी तो है नहीं, हम जाएंगे ड्यूटी करने, उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे लंच में। तो भैया अभी हॉस्पिटल ड्यूटी जस्ट ख़त्म हुई और हो चुकी है लंच, और इतनी खतरनाक भूख लग रही है जिसकी हद नहीं, और इनको शर्म आती नहीं, पहले खोल के बैठ जाता है खाना। भाई सब इतनी भाई उज्ज्वल सही है भाई, तू आज ड्यूटी करने नहीं आया, इतनी खतरनाक तो गर्मी पड़ रही थी, तो पेशेंट इतने जिसकी हद है। अच्छी बात है, चलो भाई साहब, चलो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज दिमाग भी खराब हो रहा था। ग्रुप में मैसेज आ गया कि रोग विज्ञान की क्लास में, लेकिन एक तो है ना गायने की, तो है एक क्लास बच रही है फिर लास्ट में गायने की, क्या हो गया। हाँ तो भाई, हाँ मैं क्या बोल रहा था, भीड़ हॉस्पिटल की भीड़, तू भी नहीं आया, जतिन भी नहीं आया, अरे मैं तो कैसे आता यार, फिर एकला मैं था और बाकी सीनियर थे, अकेला ये था, ठीक है। तो भाई दिमाग खराब हुआ, इतनी खतरनाक तो भूख लगी, आते यहाँ पे आया हूँ तो दोस्तों हमारे पास खाना खाने, पहले बता तेरे पेपर कैसा गया? अच्छा, सिंपल था, मैंने देखा था। हाँ यार सिंपल था। आयुर्वेद की कॉपी थोड़ी बढ़ी बढ़ती है, यूनानी की मतलब 4 पन्ने बढ़ गई है, और लो रह गए, और होम्योपैथी की, होम्योपैथी में मैं 3 पन्ने। भाई साहब हमारे एग्जाम में कहने को तो आयुर्वेद, लेकिन यूनानी भी पढ़ाते हैं, और दो सब्जेक्ट के डीजी के अंदर और फार्मेसी के अंदर है हमारे, ठीक है। यूनानी पढ़ाते हैं, होम्योपैथी पढ़ाते हैं, क्योंकि तो हमें उसमें मेडिसिन वगैरह होती है, तो उनके भी एग्जाम लगते हैं हमारे, हम देखे आए हैं, हमें अनुभव है उस चीज़ का। फिर बाबू बोलेंगे भाई मेरे बेटे को कितनी शुद्ध हिंदी आती है। अभी शुद्ध हिंदी इतना यार, मतलब 5 मिनट बचे थे गाइस सच में, और मैं उसमें लिखता गया, और लास्ट में जब पेपर काटने का, जो रिमेनिंग पेपर होते हैं पेजेस होते हैं उनको काटने का टाइम आया, इतने में तो वो एग्जामिनर उठा के ले गया। तो भाई अपने टाइम नहीं देते ना, बिल्कुल 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं देते, 1 सेकंड भाई साहब नहीं देते। हो गए कई बच्चे,
आयुर्वेद आयुर्वेद यूनानी और होम्योपैथी तीनों की पूरी पूरी कॉपियां भर भर के आए उनके हाथ में क्या जनरेटर लग रहा था क्या उनके हाथ में जनरेटर लग रहा उनके हाथ ऐसे डोमोटर बिजली की तरह जनरेटर नहीं लग रहा तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट बस चलो अब खाना खाते हैं। हाँ भाई बातें बहुत हो गई मैं इनके साथ बातों में लग गया इतनी खतरनाक भूख लग रही थी मेरे को ड्यूटी के समय से कब लंच हो कब मैं खाना खाऊं खाएं। देखो दोस्तों कितने गंदे तरीके से खाया है खाना शर्म नहीं आई थोड़ी अब इसको साफ भी कर दे ऑलरेडी साफ है वो ये साफ है गंदा कहाँ है ये देख साफ है गंदा कहाँ है मुझे बताओ ये रहा देखिए ये रहा ये रहा इसे गंदा नहीं वो ये पहले से ही था एक्चुअली नहीं मेरे को नहीं पता फिर भी साफ कर दू देखो डॉक्टर बनने से पहले एक इंसान बन जाओ हाउ डेयर यू ये भी क्या है जब हारे थे ना तो कौन थे जूनियर थे क्या अपने हाँ तो क्या है हमारे जूनियर जा रहे थे उज्ज्वल तो क्या बोल रहे अपन डॉक्टर बनने से पहले अच्छे इंसान बनेंगे अपन अच्छे इंसान नहीं फिर इंसान बनेंगे तो तू भी भाई देख ये जो है आई एम नॉट इंक्लूडिंग दैट कैटेगरी सो हाउ कैन यू से दैट कि डॉक्टर बनने से पहले यू वांट टू बिकम एन और क्या फिर तेरे ऐसे रहेंगे तो खुद ही सूखला रहेगा तो फिर पेशेंटों को कैसे ठीक करेगा सूखला मैं नहीं हूं फिर सूखला वो होता है जो बोलता है तू बोल रहा है सो आई एम नॉट अ सूखला बोलता रहता है कनेक्ट हुई थी अभी क्या देखो भाई सब ये है ना ये दिखा एक बार दिखा ये क्या वॉच लेके आई है लेकिन भाई साहब इसको चलाने नहीं आती अरे चलानी आती इससे पहले भी थी मेरे पास लेकिन इसमें पता नहीं क्या है ये थोड़ी मतलब अच्छी क्वालिटी की है पता नहीं क्या है थोड़ी महंगी वाली है और क्या समझ नहीं आ रहा है कनेक्ट नहीं हो रही है ये क्या थोड़ी महंगी वाली है जो महंगी वाली तो भाई अपने से वही है भाई मैं एक बात बोलूं घड़ी चाहे 200 रुपए की हो चाहे 2000 रुपए की हो टाइम तो वही दिखाती है अब तो 200 रुपए में भी 4 बज रहे हैं मैं भी 4 बज रहे हैं नहीं हमको सिर्फ टाइम ही देखना होता है फोन घड़ी में सिर्फ टाइम देखना होता है फोन से सिर्फ बात करनी होती है और नॉट एनी अदर एक्टिविटीज एट ऑल मेरी बात टाइम के अनुसार बंदे को अपडेट होना चाहिए कृपया करके अपना ज्ञान ना दे तू क्यों दे रहा है क्योंकि आप लोगों को जरूरत है मेरे को तो नहीं है भाई भाई हम टाइम के अनुसार अपडेट होते रहते हैं गाइस आप लोग बताओ आपको 2000 रुपए की घड़ी चाहिए या 200 रुपए की चाहिए बताओ कमेंट में बताना कमेंट अब बताना जरूर बताना। और नहीं बताया ना तो फिर देखना मैं एक तो एक आपको ना घड़ी ऐसा नहीं है कि मैं 2000 रुपए की घड़ी आपको लाके दूंगा ऐसा है कमेंट में जरूर बताना कि 2000 रुपए की घड़ी चाहिए या 200 रुपए की चाहिए और जिसके कमेंट सबसे ज्यादा होंगे ना उसको उज्ज्वल एक घड़ी गिफ्ट करेंगे उसको प्रमोद 2000 रुपए की घड़ी ऑलरेडी फ्री गिफ्ट है यार इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ व्हाट फ्रेंड्स नहीं बोल सकता सब्सक्राइबर्स एंड गाइस फ्रेंड्स पहली बात तो ना देख ना कमेंट है इनके ज्यादा और ना मेरे को घड़ी दे और आ गए तो आज जिसके सबसे ज्यादा होंगे उसको आ गए तो प्रमोद की तरफ से आइसक्रीम पार्टी हां चलो ठीक अगर कमेंट आ गए तो प्रमोद की तरफ से आइसक्रीम इनको कहां आइसक्रीम खिलाने जाऊंगा मैं यहां से हम अच्छा आइसक्रीम के इमोजी बना के चल भेज सकते हैं तो वो उसका टेस्ट ले सकते हैं वहां पे हमें हम अरे उज्ज्वल है ना हैंडसम नहीं है उज्ज्वल ब्यूटीफुल है जब तू मैं बोलूंगा मेरे गाइस बताएंगे कौन बोलेगा गाइस बताओ कौन बोलेगा मैं बोलूंगा या ये ब्लॉगर बोलेगा है मैं बोलूं ब्लॉगर बोलेगा या ब्लॉगर का असिस्टेंट बोलेगा You shut up, girl. You shut up. You just shut up because keep your mouth shut always because you need every time. So don't comment on me again. And now everyone is keep silence. It's a very big fight. और एक बात बताऊँ beautiful जो word होता है वो ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता हो beautiful शब्द सुंदर बोलते हैं और सुंदर कोई भी चीज हो सकती है That is called beautiful. हाँ उज्ज्वल सुंदर हो सकता है क्या उज्ज्वल सुंदर है जेठालाल के साथ जेठालाल को नहीं जानता तू जेठालाल को नहीं जानता आपका नाम ओ भाई साहब जेठालाल को नहीं जानता नहीं मैं मूवीज ज्यादा देखता
वो भी फालतू भाई किसमें नोरा फतेही होगी ना उज्जवल उज्जवल क्या एक्चुअली वो किसी मूवी में नहीं होती वो सिर्फ आइटम सॉन्ग में हां तो तू बस उस आइटम सॉन्ग के लिए पूरी मूवी देखता है तू तू अभी क्या क्लास खत्म मतलब है नहीं कैंसिल हो गई बच्चे आए नहीं तो भाई हम तीनों चारों बैठे हैं बाकी बैठे होंगे जहाँ भी बैठे होंगे अपने अपने इसलिए थोड़ी मस्ती वगैरह हो रही है ठीक है हम लोग बैठे पंखा और एसी चला के एसी हाँ एसी है भाई एसी है मुझे एसी लेकिन कुछ भी बोलो भाई उज्जवल आरजू जो हमारे पिछले सालों की जो क्लास थी ना एक नंबर इसी साल फाइनल ईयर में हमको इतनी घटिया क्लास मिली जिसकी हद नहीं है आजकल क्या आईपीएल चल रहे हैं तो कई कंपनियों के कॉल आते हैं मतलब लोटस अरे ये तो बोलूँगा नहीं नाम तो क्या पता हाँ यार पता है कंपनियों के कॉल आते हैं ना हमारे साथ भी एक इंसिडेंट हो गया था क्या और इंसिडेंट बहुत खतरनाक हुआ था गाइस मैं मतलब बता नहीं सकता मतलब हमारे फ़ोन आते हैं ना कंपनियों के तो इन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए पहली बात क्योंकि अकाउंट में से पैसे निकल जाते हैं अब जैसे मेरे पापा के अकाउंट में से 7.5 करोड़ रुपये निकल गए थे कितने 7.5 करोड़ मैं सच में झूठ नहीं बोल अब मैं थोड़ा सा मैं जाता हूँ मेरे को थोड़ा वॉशरूम लग रहा है मैं अभी वॉशरूम होके आता हूँ क्या जोक था यार जोरदार तालियां 7.5 करोड़ अंकल मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को एक वीडियो याद हो तो मैंने एक दिन कहा था बहुत बड़ा झूठा है तभी मुझे भी कह रहा था कौन झूठा है कौन नहीं है ना लाइक उसमें पता झूठा नहीं है हम उसको वैसे नहीं बोल सकते मतलब ये ना थोड़ा मतलब ऐसे मजाक के लिए पंच टाइप ऐसे कुछ है ना ये फेकोलॉजी ऐसे करते हैं 7.5 करोड़ 7.5 करोड़ सुना भी नहीं जाता मेरे से इतना पैसा तो एक साथ और इसके अकाउंट से निकल गए 7.5 करोड़ क्या बोलो मैं कुछ बता रहा था वही दिमाग से निकल गया हाँ बंदा बड़ा प्यारा है कहाँ से खरीदे थी बकवास बोतल डीमार्ट से और कहाँ से खरीदा ऐसा बकवास प्रमोद खरीदा कहाँ से आए घर से मीन इज दैट घर से पीछे जाओगे तो खंगा बली इधर जाओगे तो घर बली अब चलो प्रमोद चलो प्लीज चलो जल्दी चलो यार कितना नौटंकी है भगवान चलो यार चलो लेट हो रहे हैं गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर प्रमोद हम आपकी टीम में हैं बट दिस इज नॉट अ मीन यू डिटर विद द अदर पीपल फ्रेंड्स है अपन टीम नहीं है पहली बात है क्या है टीम है हम तो टीम ही मानते हैं हम ऐसे नहीं बोल सकते इसका बिहेवियर घर पे भी ऐसे रहता है भारी ऐसे है। नहीं रहता है भाई घर पे भी ऐसे कैसे बोलूं तेरी मम्मी बता रही थी ना तू ही तो बोल रहा था मैंने तो आज तक ऐसे कोई कमेंट्री नहीं तू बाथरूम से तू बाथरूम में से ना के निकला अच्छा ठीक है बाबा मैं नौटा क्यों अब चले ठीक है चल ले 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 उज्जवल ना दे दियो मैं तू भी ले 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 शर्मा अहमद ले 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 आ दे तेरे को साफ नहीं होगा हाई गर्मी करूँगा तो अच्छे से पंखा लग जाएगा कोई बात नहीं भाई मेरी तरफ से उज्जवल को कुल्फी कैसे लगी मेरी पैसों की खाती मैं क्या बोलूँ गाइस आप लोगों ने देखा नहीं किसने दिलाई है कौन खा रहा है क्या कर रहा है मेरे मुँह पे लग रही आरजू आरजू जल्दी मुँह ढक क्रैश कोट आ गया किसने दिलाई भाई क्लास में तो बात ऐसी हुई थी कि उज्जवल खिलाएगा है ना बाहर आके उज्जवल ने जो है ना वो क्या बोलते हैं नहीं वो पलट गया वो वर्ड तो मैं नहीं बोलूंगी लेकिन है ना पेमेंट ना प्रमोद ने किया बस पैसे मेरे थे हाथ प्रमोद का लगा है पैसों पे प्रमोद ने देखो प्रमोद ने दे दी प्रमोद ने दे दी कोई प्रमोद ने नहीं दिए पैसे मैंने दिए टूटे आज की वीडियो यहीं तक थी दो दिन बैठ जाओ मेरे सर पे बैठ जाओ आई होप आपको मजा आया होगा मजा आया होगा मजा किया तो लाइक कर देना नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो कुछ बोल ले अब
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि हमारा काम अब यहाँ ख़त्म हो गया और आपका काम शुरू होता है ये सब करने का। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए प्रमोद चंदेल ब्लॉग।